हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन स्वागत करता हूं आपका अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं। वायरस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और दोस्तों हम खुद से अपना वायरस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वायरस होता क्या है। दोस्तों वायरस कई तरह के होते हैं। दोस्तों कई वायरस होते हैं जो हमारी विंडो को क्रैक कर देते हैं, कई वायरस होते हैं जो हमारे किसी सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर देते हैं, कई वायरस होते हैं जो हमारा डाटा बिल्कुल डिलीट कर देते हैं हमारे पीसी में से। दोस्तों कई वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे पीसी को हैंग कर देते हैं। आज दोस्तों हम एक ऐसे वायरस के बारे में जानेंगे जो कि दोस्तों हमारे पीसी में जो हमारी कमांड होती है, जैसे कि हम अपने पीसी में सीएमडी खोलते हैं, वैसे दोस्तों हमारे पीसी में सीएमडी ऑटोमेटिक खुलने लग जाएगी, और दोस्तों वो बंद नहीं होगी। अगर दोस्तों आप उसे 2 मिनट से ज़्यादा इस पे रन करोगे अपने पीसी में, तो वो उससे आपका पीसी क्रैश हो जाएगा, आपकी उससे रैम खराब हो जाएगी, और अगर आप उसे ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करते हो तो आपके पीसी में हार्ड डिस्क भी क्रैक हो जाएगी, और दोस्तों विंडो तो उसे चलाते समय ही क्रैक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसे कैसे अपने पीसी में क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इस वीडियो से सीख कर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटपैड ओपन करनी है। अगर दोस्तों आपके पीसी में यहाँ पर नोटपैड शो नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पर नोटपैड सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नोटपैड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास सबसे ऊपर आ गई, तो दोस्तों मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों नोटपैड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है परसेंटेज, शिफ्ट और 5 दबाकर दोस्तों हमें यहाँ पर परसेंटेज लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है 0। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक डंडा लगाना है जो कि हमारे पास एंटर के बिल्कुल ऊपर है। तो दोस्तों वो हमें लगाने के लिए अपने पीसी की कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जैसे कि दोस्तों अगर आपने अपनी विंडो को क्रिएट जब अपने विंडो को किया था अपने पीसी में, जब आप वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं, अगर दोस्तों वहाँ पर इंग्लिश इंडियन है तो ये यहाँ पर लग जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड की थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। आप दोस्तों शिफ्ट दबाकर और एंटर के ऊपर वाला बटन दबाकर उसे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर फिर से परसेंटेज लिखना है, और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 0 लिख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिख लिया परसेंटेज 0 और डंडा लगा दिया, और फिर परसेंटेज और फिर 0। इसे दोस्तों हम सिंपली सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए दोस्तों ये देखिए हमारे पास यहाँ पर TXT लिखा गया, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे कट कर देते हैं। हमें दोस्तों यहाँ पर TXT नहीं लिखना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग बैट लिखेंगे, BAT। बैट का दोस्तों हमें बेनिफिट ये होता है कि बैट होता है वो एक बैच फाइल होती है। बैच फाइल दोस्तों हम वायरस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों हम इसकी एक बैच फाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ रमन, रमन डॉट BAT। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने यहाँ पर इसे बैट लिख लिया, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सेव के बटन पर ओके कर देते हैं, और दोस्तों हमें यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसे कट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास, ये वाला वायरस मेरे पास बनकर तैयार हो गया। और दोस्तों इसे दोस्तों मैं अब विंडो पर रन नहीं करवा रहा है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों Windows 7 है। Windows 7 पर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हार्म करता है, और Windows XP पर भी दोस्तों ये बहुत हार्म करता है। Windows 8 पर थोड़ा सा कम हार्म करता है, और Windows 10 पर ये कुछ एरर देकर स्टॉप हो जाएगा। Windows 10 पर ये वर्क नहीं करता। Windows 10 में अगर दोस्तों आप इसे चलाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दोस्तों इसे आप उस पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।